आज पूछ रहे हैं, आज जो अपडेट है, एक तो कोरोना वायरस के मरीजों के हवाले से वो बता दीजिएगा, और इसमें जो लॉकडाउन रिलैक्स हो रहा है उसकी क्या वजूहत है, क्यों ये इस तरह से हो रहा है और मरीजों की तादाद बढ़ रही है, लोकल ट्रांसमिशन बढ़ रही है, उसको कैसे रोकेंगे? हेलो, तो बरकरार है, बल्कि जैसे 14 अप्रैल तक कहा गया है उस पर अमल किया जा रहा है, और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि एक बहुत बड़ी तादाद फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इस हेल्थ एडवाइजरी पर अमल कर रहे हैं। 80% से ज्यादा इन पर अमल होता है। जाहिर है कुछ शिकायत भी आती है, और कुछ चीजें हमने जो एसेंशियल सर्विसेज ओपन रखी हुई है, इस वजह से भी आपको लोग बाहर नजर आते होंगे, क्योंकि एसेंशियल सर्विस और उनकी ट्रांसपोर्टेशन को नहीं रोका जा सकता, तो इसलिए ये सिलसिला आपको कई लोग नजर आ रहे होंगे। लेकिन मैं आपके तवस्सुल से सबका शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने गवर्नमेंट की इस रिक्वेस्ट को, इस आजाना जो हमारी उनको गुजारिश है कि वो इस पर अमल करें, वो कर रहे हैं। आपने जुम्मे के दिन भी देखा और दीगर जगहों पर भी इस पर अमल हो रहा है, मैं उसके लिए उलमाए किराम का भी और सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज की जो वैसे जो आपने पूछा कि जो टेस्ट आज तक हमने जो किए हैं, जो अभी आजकल सीएम साहब भी उस पर आपको बताते हैं, हमारे दीगर तरफ से भी आपको इन्फॉर्मेशन आती है कि 2590 के करीब टेस्ट जो है वो हुए हैं, जिनमें 932 के करीब पॉजिटिव केसेस हैं आज की डेट में सुबह 8 बजे तक, और 253 से ज्यादा लोग जो हैं वो रिकवर हुए हैं, सेहतयाब हुए हैं, और जो सबसे ज्यादा तादाद पिछले 24 घंटे में है वो 130 है। केस जो गुज़श्ता 24 घंटों में 130 के करीब लोग जो हैं वो रिकवर हुए हैं, ये अच्छी बात है, खुशहाली बात है। और इसके साथ जो अफसोसनाक बात ये है कि डेथ जो है वो 17 के करीब है, पूरी कोशिश की जा रही है कि इससे वायरस से बचा जाए, जो भी गवर्नमेंट इकदाम कर रही है, बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो बड़े तकलीफदायक हैं, हम नहीं करना चाहते, लेकिन इस वजह से हमें करने पड़ रहे हैं ताकि इस पर काबू पाया जा सके। तो ये इश्यूज थे जो आपके साथ टेस्ट जो आपको चाइना ने किट दी थी वो सारी नकली थी, और जो मास्क दिए थे वो कह रहे हैं किस औरतों के पहनने के बदले ऐसा नहीं है, ये तासुर गलत है कि कोई वहां से जो चीजें आई वो नकली थी या कोई और इशू, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक दो चीजें जरूर है, मिसाल के तौर पर जो हमें शुरू में टेस्ट किट्स मिली थी फेडरल गवर्नमेंट में, इनकी तीन चीजें साथ होती है, सिर्फ किट नहीं होती, इसके साथ दो और चीजें भी होती हैं, उनमें से एक आज चीज नहीं मिली थी जिसकी वजह से वो हमारे लिए कारगर नहीं थी, लेकिन अब वो भी उन्होंने भेज दी है उसमें से कुछ, तो वो टेस्ट किट्स भी जो है वो काम कर रही है, ये चीजें इम्पोर्ट करें, और अगर यहाँ पे जो बन रही हैं वो भी फौरी तौर पर उनके आर्डर दे देंगे, खास तौर पर PPE जो किट्स हैं, जो खास तौर पर डॉक्टर्स के लिए, जो हमारा लोग जो काम कर रहे हैं, मैं उनको सलाम भी पेश करता हूं, डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, या जो जो भी इसमें हिस्सा ले रहा है, वो इस डर और खौफ की वजह से, हालांकि ये फैलाया गया है, एहतियात बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये इनकी कमी के बावजूद वो अपना काम कर रहे हैं, इसलिए हम सब को उन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहिए, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की कि हम वहाँ पर प्रोवाइड करें, और सिंध गवर्नमेंट हर जगह पर कोशिश कर रही है कि प्रोवाइड करे ये जो किट्स हैं PPE। जी देखिए, सबसे पहले चीफ मिनिस्टर साहब ने इसी बात के लिए कहा था कि के इलेक्ट्रिक, हेस्को, सेपको, फिर सुई गैस वालों को कि वो अपने जो बिल हैं वो आगे मौखर कर दें और बाद में इंस्टॉलमेंट में लें। फिर आपने देखा कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी ये हिदायत आई थी, तो के इलेक्ट्रिक से मुकम्मल तौर पर उस पर अमल कराएंगे,
और अपने लोगों के साथ हैं। आगे वो इस वायरस की वजह से काफ़ी तकलीफ़ों में हैं, तो उनको ये मजीद प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। और के इलेक्ट्रिक पाबंद है इस बात का जो सिंध गवर्नमेंट ने कहा है, लेकिन डिसकनेक्शन भी नहीं होगी और वो फिर आगे मौखर होंगे। एक वो तरीकेकार होता है, बिल तो भेजना होता है उसमें। देखें 14 तारीख तक तो लॉकडाउन है, लेकिन कुछ जो बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनकी तरफ से ये गुजारिश आई थी कि जब पंजाब गवर्नमेंट ने और दीगर जगहों पे उन्होंने ये खोल दी हैं जो इंडस्ट्रीज, तो यहाँ भी खोली जाए। तो इसी सिलसिले में सीएम साहब ने कल वो टास्क फोर्स की मीटिंग बुलाई थी कि सबसे उसमें लिए जाएं, व्यूज़ लिए जाएं, तो ज़्यादा तादाद यही आई थी कि फौरी तौर पर नहीं खोलना चाहिए। और उसमें फिर एक SOP के तहत बताया गया कि जो इंडस्ट्रीज जिसके जो एम्प्लॉयज़ हैं या वर्कर हैं जो अंदर ही उस इंडस्ट्री में रहते हैं जहाँ पे उनकी कॉलोनीज़ हैं, अगर SOP के ऊपर अमल कर और उनसे काम लिया जाए, जो एक प्रोटोकॉल है कोरोना का उसको अगर वो एडॉप्ट करते हैं, और फिर ये जिम्मेदारी भी उन्हीं मिल मालकान की ओनर की होगी। खुदा ना खास्ता किसी को ये वायरस अगर लगता है या कोई नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी उन पर होगी। तो इसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने होम सेक्रेटरी, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज और सेक्रेटरी लेबर के तहत और कमिश्नर कराची भी उसमें है कि वो इसको देखेंगे, और फिर अगर कोई इस पर अमल करता है तो उनके साथ ये बातचीत हो रही है, SOPs तय हो रही हैं, उसके बाद ये खोला जाएगा। लेकिन इस वक्त जो एसेंशियल सर्विसेज की जो चीज़ें हैं या जो मेडिकेटेड जो सिलसिले हैं उन पर कोई पाबंदी नहीं है, और इसी तरह गुड्स ट्रांसपोर्ट पर भी जो सिलसिला पोर्ट से शुरू हुआ एसेंशियल सर्विसेज का, उस पर भी किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। जी देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि हमने तो अपनी पॉलिटिक्स या जो सिलसिला है वो सारा क्वारंटीन में डाला हुआ है कि जब तक ये वायरस से नहीं निकलते। हालांकि बहुत सारी बातें हैं, जिस तरह सईद साहब ने कहा, इम्तियाज साहब ने कहा, सीएम साहब कहते हैं, मुर्ज़ा वहाब कहते हैं कि बहुत सारे शिकवे शिकायत हमें हैं फेडरल गवर्नमेंट से भी, दीगर गवर्नमेंट से भी, तो ये उनकी इल्ज़ाम तराशी की आदत है। मुझे ये बताया जाए कि अगर सिंध जिम्मेदार है आटा बहरान का, तो पंजाब में क्या हरिराम ने जाके बहरान पैदा किया या KP में उसकी वजह से बहरान आया? ये इनकी अपनी नाअहली है, लेकिन ये बातें जब वायरस से निबट लेंगे तो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे कि हमें क्या क्या जो शिकवे शिकायत हैं। जिस तरह सईद भाई ने बोला कि ये जो सिस्टम जो राइज करने जा रहे थे हम लोग, इसमें बहुत हमें डिफ़िकल्टीज हुई। इम्तियाज साहब बैठे हैं 14 दिन से इस पर काम कर रहे हैं, सईद भाई क्वारंटीन में जाने से पहले तकरीबन बना चुके थे ये सारा सिलसिला, लेकिन ये इश्यूज हैं, हम बहुत पहले शुरू कर चुके होते ये इमदाद अपने लोगों तक पहुंचा चुके होते, लेकिन अब भी हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सख्त अहकाम हैं कि फौरी तौर पर हर किसी के पास ये इमदाद पहुँची जाए। जो आपने एक क्वेश्चन किया था कि अपोजिशन पार्टीज कह रही हैं कि हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा, मैं नहीं समझता कि उनके किसी अहम लीडर ने ये बात की हो, क्योंकि हमारी सबसे बात हुई है, हमने उसमें गवर्नर साहब से बात हुई है, जो PTI के साथ बात हुई है, GDA के नंद कुमार साहब से बात हुई है, इस तरह और जमायत इस्लामी वालों से बात हुई है, TLP के जो हैं हमारे मौलवी साहब मुफ्ती साहब उनसे बात हुई है, सबको ऑन बोर्ड रखा है हमने, क्योंकि इसमें हमें किसी से वो नहीं है कि ये जी पीपल्स पार्टी के जाएगा, सब हमारे लिए एक जैसे हैं, जो भी ज़रूरतमंद है उस तक ये चीज़ पहुंचे। और ख़ास तौर पर जो सफ़ेद पोश है, जो किसी लाइन में नहीं लग सकता, किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता, उस तक ये चीज़ें जो हैं वो फौरी तौर पर पहुँचें जो भी। तो ये हम सब लोग काम कर रहे हैं, हमें आपकी इसमें सब